Everyone on the pleasant evening, and after COVID we are here again. So you all being a wonderful audience, so first round of applause for all of you. So this play Babu Ke Sapne has been directed by Deepak Gurnani, and the actors are Manish Gunwani and Rani Bambani. So Babu Ke Sapne ek madhyam vargiye लड़के की कहानी है जो सपने की दुनिया में रहता है. तो आइए हम साथ मिलके उसे, एक और चीज, उसे लगता है कि वो एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा. तो आइए उसके सपने की दुनिया को देखें और एक्सप्लोर करें. एंड देयर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, अपने फोन्स को प्लीज साइलेंट या स्विच ऑफ मोड पे रखिएगा, सो दैट वी विल एंजॉय द शो. थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो. इसका मिजाज सपनों में रहता है. अपना बाबू महाराज जब सोए जगता है. अपना बाबू महाराज बाबू के सपने देखो जिया. मुंगेरी सा है इसका मिजाज सपनों में रहता है. अपना बाबू महाराज जब सोए जगता है. अपना बाबू महाराज
ये मां भी ना। हाँ हाँ हो गया, अब क्या करूं, खाना दो ही तो काम है मेरे पास। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि दो रोटी के लिए इतना झंझट। भाई मेरे लिए तो खाना खाना ही सबसे आसान काम है। और हाँ एक और काम है जो मेरे लिए बहुत आसान है, सोना है ना। मेरे लिए समय काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, दोपहर के खाने तक का समय बिताना। बाप रे, इस वक्त तो सो भी नहीं सकता, क्या करूं, रोज की परेशानी है। बाबा कहते हैं मेरे साथ बिस्कुट की फैक्ट्री चलाकर दो पैसे कमाएगा तो घर में काम आएगा। अब मैं काम करूं, मैं तो बना हूं कुछ खास करने के लिए। हाय हाय, क्या तो तमन्ना थी कि मैं भी एक्टर बनूं, अमिताभ बच्चन। क्या तो एक्टर हर दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। हर दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ कौन। अमिताभ बच्चन, रिश्ते में हम बाप सारे गुण मौजूद है। ये बाबा भी ना, अब मुझे नेता बनना इसमें खाने और सोने का क्या लेना देना। हाँ तो मैंने क्या कर लिया है, मुझे तो नेता ही बनना है। राजयोग, वही राजयोग। देखता है जन्नत सपनों में बने कभी राजा, बस मजे रंगी रहता है इसका इरादा। पंछी सा उड़ता है, लहरों सा बहता है, अपना बाबू महाराज जब सोए जगता है, अपना बाबू महाराज। बाबू भाई दी ग्रेट पॉलिटिशियन। पर आपको एक बात बताऊं, नेता बनने से पहले मेरा एक और सपना था कि मैं वकील बनूं। वो क्या है ना, तब तक मैंने अपनी जन्मपत्री तोताराम पंडित को नहीं दिखाई थी। मेरा सपना था कि काला कोट पहनकर अदालत में सिरह करूं, मिलोड तमाम सबूत और गवाह चीख चीख कर कह रहे हैं कि मेरा मुवक्किल बेगुनाह है, मिलोड
तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसाफ नहीं मिलता, मिलती है तो सिर्फ तारीख। माय लॉर्ड, तोताराम पंडित ने तो मेरी जिंदगी बदल के रख दी, मेरी जिंदगी चूर के सहारे, बाप रे। और वैसे भी मैंने सुना है बड़े बड़े वकील नेताओं की चमचागिरी करते हैं, इनके आगे पीछे घूमते हैं, तो फिर मैं वकील क्यों बनूं, वकील बन के नेताओं के आगे पीछे घूमूं? वैसे भी मैं झूठ बोलने में माहिर नहीं हूं, तो मैं अच्छा वकील कैसे बन सकता हूं? हाँ, तो मैं अच्छा वकील कैसे बन सकता हूं? यही बात जब मैंने बाबा को बताई तो बाबा ने कहा कि अच्छा वकील कैसे बन सकते हो, चर्चा में तो हमेशा बेईमान नेता ही रहते हैं, करोड़ों का घोटाला होता है, उसमें से कुछ रुपए देकर अपनी पोजीशन पे वापस। तो फिर मैं अच्छा वकील कैसे बन सकता हूँ? क्या सोच रहे हो? यही ना कि नेता भी तो झूठ बोलते हैं। छोड़ो यार, वैसे भी मुझे तो ईमानदार नेता बनना है, खालिक सच्चा नेता, लाल बहादुर शास्त्री जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऐसे नाम तो बहुत है पर याद नहीं आ रहे। यही बात जब मैंने बाबा को बताई तो बाबा ने कहा याद कहां से आएंगे, चर्चा में तो हमेशा बेईमान नेता ही रहते हैं, करोड़ों का घोटाला होता है, उसमें से कुछ लाभ देकर अपनी पोजीशन पे वापस, वो भी बाइज्जत। ने तो मुझे कुछ घोटालों के बारे में भी बताया, वही है ना कमाल की बात। बाबा बता रहे थे कि एक नेता तो गाय भैंसों का चारा तक खा गया था। अब आप बताओ, ये गाय भैंसों का चारा वो इंसानों के खाने की चीज है, और अगर इंसान गाय भैंसों का चारा खाने लग जाए तो गाय भैंस दूध कहां से देंगे? दूध नहीं देंगे तो फिर मार्केट में दूध की परेशानी, फिर क्या, फिर आएगा मार्केट में नकली दूध, जहर वाला दूध, सिंथेटिक दूध। छोड़ो यार, वैसे भी इंसान का शरीर तो बहुत मजबूत हो गया है, आटे में भूसा, दाल चावल में कंकड़, घी तेल में केमिकल, सब कुछ हजम कर लेता है इंसान का शरीर, तो फिर ये जहर वाला दूध तो मामूली सी बात है। देखो, मैंने तय कर लिया है, मुझे तो नेता ही बनना है, जो पब्लिक से वादा करूंगा उसे पूरा करूंगा। पर सोचता हूं कोई वादा करूं ही ना, वो क्या है ना, अगर पब्लिक का वादा पूरा ना हो तो पब्लिक नाराज बहुत जल्दी हो जाती है, मुक्का तो नाराज ना जाने क्या क्या मार देती है। पर मैं काम करूं, मैं काम क्यों करूं? अगर काम नहीं करना था तो बाबा के बिस्कुट की फैक्ट्री है ना भाई, मुझ में तो राजयोग है, तो मैं काम क्यों करूं? अगर काम ही करना था तो बाबा के बिस्कुट की फैक्ट्री है ना, हाँ, तो मुझे तो नेता ही बनना है। और नेता बनने के लिए जरूरी है कि मैं भाषण दूं, भाषण भी जोरदार और असरदार होना चाहिए। चलो प्रैक्टिस करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, हाँ ये ठीक है, किसी को बहन बनाने का चक्कर ही खत्म और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। तो फिर से शुरू करते हैं। मेरे प्यारे देशवासी, हमें अपने देश भारत को बहुत आगे ले जाना है, और बहुत ऊपर, इतना ऊपर कि सारी दुनिया हमारे देश को सर उठा के देखे। आपको अपने देश की तरक्की चाहिए, उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए, उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे, तो देश को प्रगति के रास्ते पर बहुत दूर तक ले जाएंगे। भाई ये हुआ ना भाषण, जो काम मुझे करना चाहिए एक नेता को करना चाहिए, मैंने कितनी सफाई से पब्लिक से कराया, मतलब यही तो नेतागिरी है, काम पब्लिक करे नाम नेता का, और पब्लिक नेताओं के बहकावे में आ ही जाती है। और हाँ, मेरे भाषण में खास बात और भी थी, सोचो सोचो, मैंने पब्लिक को ऑर्डर दिया है कि वो अपने देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाए, मतलब जो काम मुझे करना चाहिए वो पब्लिक करे, वो पब्लिक करेगी, पक्का करेगी, पब्लिक नेताओं के बहकावे में आ ही जाती है, जो हम कहें वो मान ही लेती है। नेतागिरी का पहला सवाल, मैं पास, मतलब नेता तो मैं बन ही जाऊंगा, आप अभी यही कहते हैं कि मुझमें नेता बनने के सारे गुण मौजूद हैं, पर ईमानदार नेता बन पाऊंगा? ईमानदारी, सच्चाई, अच्छाई और नेता, ये बातें आपस में मेल नहीं खाती। छोड़ो यार, वैसे भी मैंने कौन सी ईमानदारी दिखाई, अपना काम पब्लिक से कराना ये भी तो बेईमानी है, मैंने भी तो नेतागिरी का पहला रास्ता पार किया, वो भी बेईमानी से,
चोरी छोटी हो या बड़ी, चोरी चोरी होती है, तो जब चोरी करनी है तो बड़ी क्यों नहीं। यानी ईमानदारी का चोला ओढ़े बेईमान देता। वैसे बाबा सही कहते हैं, ईमानदार नेताओं को कोई याद नहीं रखता। तो मैं सोचता हूँ कि ईमानदारी और बेईमानी को छोड़ देता हूँ, ये भी पब्लिक के हवाले कर देते हैं, सिर्फ नेता ही ठीक है। हाँ, तो ईमानदारी और पब्लिक को छोड़, ईमानदारी और बेईमानी को छोड़कर ये भी पब्लिक के हवाले। और ईमानदारी और बीमारी, ईमानदारी बीमारी, ईमानदारी बीमारी, ईमानदारी और बेईमानी को पब्लिक पर छोड़ दूं, पब्लिक पर कैसे छोड़ूं ईमानदारी और बेईमानी को। हाँ हाँ, ईमानदारी और बेईमानी को कैसे छोड़ दूं। देखो एक सेकेंड, देखो कुछ याद आ गया। हाँ, मैंने एक बात तो नोटिस ही नहीं की, मुझे याद था कि मुझे नेता बनना था, तो नेता के लिए जरूरी है कि मैं अपना नामकरण भी तो करूं। नेता, हाँ नेता, नेताजी बाबू भाई, और साथ में लगा देता हूं समाज सेवी। हाँ, नेताजी बाबू भाई समाज सेवी। डिग्री भी लिखूं क्या, छोड़ो यार, वैसे भी मेरे पास कौन सी डिग्री है। और हाँ, हमने कभी नेताओं से पूछा है कि तुमने अपने नाम के आगे जो बड़ी बड़ी डिग्री लगा रखी है तुम्हारे पास, नहीं ना, तो मैं भी नहीं लिखता। वैसे भी आठवीं फेल होने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ने का दिल तो नहीं था, पर वो मास्टर है ना, वो मुझे बात बात पर मारता था। वाह पूछूं कि एक दिन मास्टर ने सभी बच्चों से क्लासरूम में सवाल पूछा, बताओ बच्चों बड़े होकर क्या बनोगे। तो किसी ने कहा, मास्टर मैं ना डॉक्टर बनूंगी, मास्टर मैं इंजीनियर बनूंगा, मास्टर मैं नेता बनूंगा, मास्टर मैं नर्स बनूंगी। फिर मास्टर ने मुझसे पूछा, फिर एक लड़की से भी पूछा, बताओ तुम क्या बनोगी। तो लड़की ने कहा कि मैं बड़े होकर दो बच्चों की माँ बनूंगी। फिर मास्टर ने मुझसे पूछा, बताओ तुम क्या बनोगे। मैंने कहा, मास्टर मैं ना बड़ा होकर इसके दो बच्चों का बाप बनूंगा। फिर तो मास्टर ने इतना मारा। यही बात जब मैंने बाबा को बताई तो बाबा ने कहा, उसे का काले कुत्ते ने काटा है जो तुम्हें मारा, इसमें तो लड़की जाने या उसका बाप, इसमें मारने की क्या जरूरत थी। जब मैंने बाबा को बताया कि बाबा वो लड़की वो मास्टर की बेटी है, तो फिर बाबा ने मुझे बहुत मारा। फिर जब भी मैं स्कूल जाता मास्टर मुझे बात बात पर मारता था, मैंने स्कूल ही छोड़ दिया। और हाँ, वैसे भी बाबा कहते हैं एक जगह बार बार जाने से इज्जत नहीं होती, तो बस स्कूल बंद, मतलब मेरे लिए बंद। पर ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, बिल्कुल आता है। लो, प्रधानमंत्री 7 दिनों के लिए विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा में वो कई देश जैसे रूस, अमेरिका, ब्राजील का दौरा करेंगे और कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी करेंगे। नेता बनने का ये बड़ा फायदा, पूरे संसार की मुफ्त में सैर, वो भी जनता के पैसों से। पूरे संसार की मुफ्त में सैर, वो भी जनता के पैसों से। तो मैं सोचता हूं कि नेता बनना ही ठीक है, पर एक बात तो है कि आजकल तो कोई भी कुर्ता पजामा पहनकर नेता बन जाता है, कुछ खास होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ, पर हाँ आजकल तो सफारी सूट पहने नेताओं का जमाना है, पर मैं कुछ खास करूंगा, मैं सफारी सूट नहीं पहनूंगा, मैं कुर्ता पजामा और ऊपर बास्केट पहनूंगा। हाँ, ये ठीक है, बाबू भाई द ग्रेट पॉलिटिशियन, ये ठीक है, ऊपर कुर्ता पजामा फिर सफारी सूट, ये ठीक है। हाँ, कुर्ता पजामा और ऊपर बास्केट, अब ठीक है। तो स्पीच देते हैं, मेरे प्यारे देशवासी,
आप यहाँ आए आपकी मेहरबानी, पर यहाँ अगर सिर्फ मुझे सुन के चले जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। आप यहाँ सिर्फ मुझे सुनने के लिए नहीं आए, आप मुझे भारी बहुमत से जिताएंगे भी। याद है ना, आपको अपने देश को तरक्की के रास्ते में बहुत दूर तक ले जाना है, तो आपका वोट किसे मिलेगा? मुझे ही ना। बाबू भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबू भाई जीतेगा, भाई जीतेगा, बाबू भाई जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो, बाबू भाई जैसा हो। बाबू भाई जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। प्राप्त खबरों के अनुसार बाबू भाई भारी बहुमत से विजयी हुए हैं। उनका देश का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। उनकी पार्टी के सभी उम्मीदवार जीत चुके हैं। हाँ, जब मैं राजा बनूंगा तो जनता पे इतना जुल्म नहीं करूंगा।
लाठी तो मैं भी रखूंगा पर चलाऊंगा नहीं, बिल्कुल गांधी जी की तरह। लाठी हमेशा साथ रखी पर चलाई नहीं। हाँ वो संजू फिल्म का डायलॉग याद आ गया, मैंने AK-47 रखी जरूर थी पर चलाई नहीं। मैंने AK-47 रखी जरूर थी पर चलाई नहीं। वैसे बाबा सही कहते हैं, ईमानदार नेताओं को कोई याद नहीं रखता, पर AK-47 मैंने भी रखी वो चलाई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे हाँ खाना भूख लग रही है, खाना देखते थे। माँ ने तो खाना तैयार नहीं किया, अब क्या करूं। चलो टीवी देखते हैं। हाँ टीवी भी स्लो हो गई है। अरे चल जा, लो टीवी भी नहीं चल रही। अरे चल जा टीवी, क्या यार चल जा चल जा, टीवी भी नहीं चल रही, क्या करूं, रोज की परेशानी है। टीवी चल जा, टीवी भी नहीं चल रही, क्या करूं। खाना मम्मी ने बनाया नहीं, टीवी चल नहीं रही, पर AK-47 AK-47